Hello students, this is Siddharjan, a faculty from the Rajkin Engineering College Manpuri. Uh, this is your uh, seventh lecture of the subject advanced Structural analysis. Uh, in this lecture, we will understand about the strain energy method and we will see some questions, some examples basically uh, which will be solved by the strain energy method. Okay. This is a part one, and in the part two, we will understand about the स्ट्रेनर्जी मैथड बट द फ्रेम सेक्शन फॉर द फ्रेम सेक्शन ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टेंड वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द वॉट इज द स्टेन एनर्जी सो वी विल क्लियरली ई गो थ्रू द क्वेश्चन ओके तो स्टे एनर्जी की बात करें अगर हम सिविल में बात करें या स्ट्रक्चर में बात करें स्ट्रेन एनर्जी की तो स्ट्रेन एनर्जी की मतलब होता है किसी किसी भी बॉडी को स्ट्रेन आउट करना मीन्स हमें स्ट्रेन कर रहे हैं जैसे अगर हम एक रॉड के टर्म में लें आपने सोम में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि एक रॉड के टर्म में कि या बार के टर्म में किसी या मेटल के पीस के टर्म में लें तो उसको स्टेन आउट करना मीनस उसकी इलास्टिक लिमिट तक हम उसको खींचते हैं कुछ इसमें डिफॉर्मेशन लाने की ट्राई करते हैं सो डिफॉर्मेशन लाने का ट्राई करते हैं सो so, इस डिफ़ॉर्मेशन के कारण उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है स्टोर हो जाती है विल बी कॉल्ड एज अ स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बॉडी ओके अब स्ट्रेन एनर्जी को हम अल अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं जैसे कि किसी भी मटेरियल का डिफॉर्मेशन होता है वो एक तरीके का नहीं होता है अगर हम उसके लेंथ के अलोंग या लॉन्गिट्यूनल एक्सिस के अबाउट खींच रहे हैं लॉन्गट्यूनल एक्सिस के अलोंग खींच रहे हैं तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी उसके फोर्स के टर्म में आती है अगर उस बीम या में या रॉड में या सेक्शन मेम्बर में बेसिकली मूवमेंट हो रहा है मूवमेंट के कारण मूवमेंट अगर कर रहा है तो मूवमेंट के कारण जो एनर्जी आती शुरू होती है वो फ्लैक्ज एनर्जी बोलते हैं और अगर टॉर्जन आता है किसी में तो उसको बोलते हैं टॉर्जन स्ट्रेन एनर्जी ओके ना तो बेसिकली अगर हम बात करें इस टर्म में यूनिफॉर्म बार के टर्म में तो दिस इज सिंपल बार विच अ फोर्स पी लेंथ एल लेंथ एल सेक्शन प्रॉपर्टी ए कॉमा ई सो द अल्टीमेटली द स्ट्रेन एनर्जी टोटल एनर्जी अगर बात करें तो टोटल्स पी एल अपॉन टू ए ओके इन टर्म्स ऑफ फ्लैक्जल स्ट्रेनर्जी इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट वी कैन मूवमेंट अगर हम बात करें सिंपल एक एक एलिमेंट की दिस इज अ बार इज गोइंग टू अ बेंडिंग बेंडिंग अगर कर रही है विद मूवमेंट ऑफ एम एम के कारण अगर कर रही है तो बेंडिंग कारण हम एक एक स्मॉल सेक्शन की बात करेंगे डी एस सेक्शन की तो अगर हम टोटल स्ट्रेनर्जी की बात करें फ्लेक्जल स्ट्रेनर्जी की बात करें विच विल बिकम टू

मूवमेंट ऑफ एनर्जी हम सभी जानते हैं ठीक है दिस इज स्ट्रेन एनर्जी फ्लैक्सल स्ट्रेन एनर्जी अगर हम इन टर्म्स ऑफ ट्रोजन की बात करें ना ट्रोजन क्या होता है सभी जानते हैं कि लॉन्ग ट्रेल एक्सिस के अबाउट हम रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं तो उससे कारण जो मूवमेंट जनरेट होता है दैट इट टर्म्स आउट टू बी अ ट्रोजनल मूवमेंट ओके सो अगर हम इसको एक तरीके से आ, समझने की कोशिश करें हमारे पास एक रॉड है या बार है सर्कुलर बार है ओके okay? दिस इज ए एक्सिस या बोल सकते हैं लॉन्ग टूरल एक्सिस जो लेंथ के अलोंग मूव कर रही है तो इस 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 लॉन्ग टूरल एक्सिस के अबाउट अबाउट मीन्स हम कुछ इस तरीके का मूवमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इस तरीके का मूवमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मूवमेंट ना एम ना कह के मूवमेंट हमारा बन जाता है टी इसी को बोलते हैं टॉजनल मूवमेंट ये मूवमेंट बेसिकली मटेरियल को डिस्ट्रॉ रोटेट करने की कोशिश करता है उसकी लेंथ को बढ़ाने घटाने का इतना मेन पर्पज़ नहीं होता हालांकि टोजन से उसकी लेंथ अफेक्ट होती है बट इनडायरेक्टली इस तरीके से होती है ठीक है तो अगर टॉर्जनल मूवमेंट की बात करें या टोजन एनर्जी की बात करें तो इट विल कम्स द अगर डी एक्स एक स्मॉल एलिमेंट है तो ये हमारे पास हो जाता है यूज कल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी एक्स टू जी एल इंटीग्रेशन एलिमेंट हम उस रॉड या बीम के बेसिकली एंड कंडीशन को देख के करेंगे ठीक है ओके अब बेसिकली हमको एनालिसिस करना है किसी स्ट्रक्चर का एनालिसिस मीन्स उसमें शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डिफ्लेक्शन वगैरह निकालना है तो हम इंटरटेनमेंट स्ट्रक्चर के अभी तक बहुत सारे मेथड देखे मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह उनसे निकाल लें हम स्ट्रेनर्जीसी कैसे निकालेंगे अभी तक हमने स्ट्रे एनर्जी के बारे में समझा तो एनर्जी थ्योरम है या फिर हम इसको कैस्टिग्लानो थ्योरम भी बोल सकते हैं कैस्टिग्लानो की फर्स्ट थ्योरम एंड कैस्टिग्लानो की सेकेंड थ्योरम उसके बारे में बात कर सकते हैं उन्होंने बोला था कि बेसिकली अगर हमें किसी बॉडी की एनर्जी पता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स और मूवमेंट सो वी कैन कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एज वेल एज द स्लोप और एंगल वी कैन आल्सो से सो एनर्जी uh, थोरम कहती है द लोड मे बी फोर्स मूवमेंट सेयर और टॉर्जन द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट विल बी द डिफ्लेक्शन स्लोप सेयर डिफॉर्मेशन और एंगल ऑफ ट्विस्ट दिस थोरम स्टेट बेसिकली अल्टीमेटली अगर हमारे पास फोर्स है डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन निकालना है तो डिफॉर्मेशन विल इक्वल टू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्टेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट फोर्स ओके उसी तरीके से हम बात करें अगर हम स्लोप निकालना है तो स्लोप विल भी द डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट इट विल द स्लोप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ओके सो हम इन थ्योरम का यूज़ करके कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे बेसिकली हम स्ट्रेन एनर्जी में तीन तरीके के क्वेश्चन देखेंगे एक हम देखेंगे सिंपल इनडिटर्मिट स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं हम प्रॉफ्ट कंट दूसरा कॉन्टिन्यूस कॉन्टिनस बीम और तीसरा हम बात करेंगे एक फ्रेम की बात करेंगे उस फ्रेम को हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफ्ट कैंट बीम की ठीक है दिस इज बेसिकली प्रॉप्ट कंडलीवर बीम इन विच वी विल एनालिसिस बेसिकली वी विल कैलकुलेट द रिएक्शंस ठीक है सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम लोड कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हम मानते हैं कि दिस इज ए दिस पॉइंट इज ए फिक्स एंड इज ए बी एंड अ लोड ऑफ पी विच विच इज एक्टिंग बेसिकली विच इज एक्टिंग एट अ सेंटर ऑफ अ प्रॉप्ट कंडलीवर बीम ओके okay? नाउ हम निकालने जा रहे हैं तो हम अच्छी तरीके से समझेंगे बेसिकली तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी की बात करते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली पी लग रहा है तो हम जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है स्ट्रेन एनर्जी विल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अब टोटल लेंथ इज एल तो हम एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे दूसरे पॉइंट पर ख़त्म करेंगे अब एक चीज़ सिंपल है सिंपल सिम्पल बात समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या निकालना है बेसिकली ए बी सी ओके थोड़ा सा इसको सही करते हैं ए बी सी हम इसको सी मानते हैं इसको बी मानते हैं ओके तो, तो इसकी अगर इंटरमेसी देखोगे आप तो इसकी डी एस आगे हमारे पास वन इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से कि हम इसमें एक अननोन की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम एक अननोन की वैल्यू अपने तरीके से निकालते हैं मीन्स हम एनर्जी मेथड से निकालते हैं तो एक निकल आएगी बाकी की तीन हम इक्वलियम इक्वेशन की मदद से निकाल पाएंगे तो हम आर सी का आर सी की आर सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं मीन्स वर्टिकल रिएक्शन हमारे पास आ रही होगी यहाँ पर इस आर सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं आर सी की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर्जी मैथड आर सी निकल आएगा तो बाकी का अपना ऑटोमेटिकली निकल आएगा ओके तो आर सी टास्क है तो आर आप सी को हम यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी मैथड तो हम जानते हैं कि स्ट्रेनर्जी क्या होती है स्ट्रेनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट बेसिकली एम स्क्वायर डी एक्स टू ई आई ओके टू ई आई और ये भी हमने देखा कि हमें डिफ्लेक्शन अगर निकालना हो डिफ्लेक्शन क्या होता है एट सी पर्टिकुलर पॉइंट डिफ्लेक्शन सी पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं हम अल्टीमेटली डिफ्लेक्शन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ आर सी और इस स्ट्रक्चर को देख के हमें ये लग रहा है कि स्ट्रक्चर स्टेबल है स्टेबल है मीन्स कि सी पॉइंट पर नेट डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी है जीरो तो अल्टीमेटली इसको जीरो कर देंगे और हम वहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे ठीक है तो उसका एक स्टेप बाई स्टेप समझते हैं तो डेल्टा सी को हमने जाना था कि डेल्टा सी क्या होती है डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन एट सी बेसिकली सी पे निकाल लें तो तो हम सिंपल आर सी वैल्यू निकालते हैं ये हमारे पास है स्ट्रेन एनर्जी ओके स्ट्रेन एनर्जी इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो इंटीगल एम पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएशन किस इस तरीके से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अब ये नहीं करना है कि इंटीग्रेशन डिफरें इंटीग्रेशन है डिफेंशिएशन करना है तो इंटीग्रेशन हट रह जाएगा बाकी चीज़ बच जाएगी ऐसा नहीं होता है क्योंकि तो हम अल्टीमेटली मूवमेंट के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसको एम का डिफ्रेंशिएशन होगा विस्पेक्ट टू आर तो हो जाएगा ये टू एम अपॉन टू ई आई और एम एक अलग पार्ट है तो बेसिकली एम का पार्शियल डिफ्रेंसिस हो जाएगा आर सी के टर्म में क्योंकि हम आर सी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिस कर रहे हैं इन टू डी एक्स ओके टू से टू कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास डेल्टा तो सी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास डेल्टा सी की वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ एम अपॉन ई आई इंटू डेल एम अपॉन डेल आर सी इंटू डी एके सिंपल सी बात करते हैं तो सी पर निकालना है तो इंस्टेंट एनर्जी हम सारे सेक्शन के लिए देखेंगे मीन्स हमारे पास दो दो अलग इंडिविजुअल सेक्शन है सी बी एंड बी ए बेसिकली बी ए और सी बी में हम आर सी का इफेक्ट देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन हम इसे क्वेश्चन में रखेंगे मीन्स एम की वैल्यू निकालेंगे एम डेल एम अपॉन डेल आर सी की वैल्यू निकालेंगे और उसको सबमिशन कर देंगे ठीक है ना तो उसके लिए एक सिंपल एक टेबल बनाते हैं उसमें हम समझते हैं अच्छी तरीके से तो यहाँ पर हम दोबारा इसको लिख देते हैं दिस इज ए दिस पॉइंट इज बी दिस इज सी हमें निकालना क्या है इस आर सी को निकालना है ओके okay? यहाँ पर लोड लग रहा है पी का दिस इज एल वाई टू एंड दिस इज़ ऑल्सो एल वाई टू ओके सो हम टेबल बनाते हैं टेबल समझते हैं सबसे पहले हम टेबल में लिखते हैं सेगमेंट कि किस सेगमेंट का यूज कर रहे हैं हम हम सेगमेंट ले रहे हैं सी बी एंड ले रहे हैं बी ए ओके okay. देन हम यूज करते हैं ओरिजिन ओरिजिन हमारा हो जाएगा सी इसका इसका बी ओके देन हम यूज करते हैं लिमिट्स हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं तो दोनों में दोनों पार्ट में बेसिकली सी से बी जा एल वाई टू और बी से ए e में हम एल वाई टू जा रहे हैं तो ये हो जाएगा जीरो टू एल वाई टू ये भी हो जाएगा जीरो टू एल वाई टू ये टेबल क्यों बना रहे हैं इससे हेल्प मिलेगी आगे इंटीग्रेशन करने में ओके okay. मोमेंट की वैल्यू लिखते हैं ठीक है अगर हम इस पार्ट में मोमेंट की वैल्यू देखें फोर इन टर्म्स ऑफ आर सी तो वो हो जाएगी अगर एक्स डिस्टेंस हम मेजर करते हैं यहाँ से एक्स तो ये हो जाएगी आर सी इंटू एक्स ओके तो यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी आर सी इंटू एक्स और हम बी सी पार्ट के बी ए पार्ट के लेते हैं तो ये हो जाएगा आर सी इंटू एल वाई टू माइनस एक्स क्योंकि हम बेसिकली डिस्टेंस अब ये हो गई ओके ये हो गई तो ये हो जाएगी सॉरी एल बाय टू प्लस एक्स अब ये एक्स यहाँ से यहाँ तक नहीं होगी ये एक्स हो जाएगी बेसिकली हमारी यहाँ से यहाँ तक कहाँ से एल हो जाएगी एक्स हो जाएगी हमारी यहाँ से ओके okay? यहाँ से मान लेते हैं वहाँ से भी मान सकते हैं यहाँ से भी मान सकते हैं हम यहाँ से मानते हैं तो यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी आर सी की टर्म में आर सी इंटू दिस एल बाई टू प्लस एक्स और पी की टर्म में हो जाएगी माइनस पी इंटू ओके okay, मोमेंट आ गया अब लास्ट टर्म हमारे पास क्या था लास्ट टर्म था डेल एम अपॉन डेल आर सी ओके okay, डेल आर सी निकाल लेते हैं तो उसको इंटीग्रेशन करते हैं आर सी की रिस्पेक्ट में तो ये उस आर सी हट जाएगा केवल एक्स बचेगा इसका करते हैं तो आर सी हट जाएगा एल बाई टू प्लस एक्स बचेगा और ये कांस्टेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर तो इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन जीरो ओके तो हमारे पास टेबल बन चुकी है सिंपल तरीके से अब इस, इस सारी वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे उस इक्वेशन में पुट करेंगे या हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करेंगे तो पुट करते हैं सिंपल हमारे पास अल्टीमेटली क्या बता था हमने निकालना था डेल्टा सी विच इक्वल टू डेल यू बाई डेल आर सी ये भी हमारे पास देख देते हैं क्या निकला था ये निकला था हमारे पास एम अपॉन ई आई इंटू डेल एम अपॉन डेल आर सी इंटू डी एक्स ओके ये पूरे के लिए था अगर हम इसको डिवाइड करें किस किस टम में इसको डिवाइड करें हम सी बी और बी ए के टर्म में तो ये हो जाएगा फॉर अ सी बी पार्ट सी बी पार्ट के लिए क्या हो जाएगा जीरो टू एल बाई टू मीन सिंपल हम अगर जीरो टू एल बाई टू कर देते हैं सी बी पार्ट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो टू एल बाई टू ठीक है सीबी पार्ट में एम की वैल्यू कितनी थी हमारे पास सीबी पार्ट में एम की वैल्यू हमारे पास थी सिंपल आर सी इंटू एक्स तो यहां पर लिख देते हैं आर सी इंटू एक्स अपॉन ई आई और डेल एम अपॉन डेल आर सी की वैल्यू कितनी थी वो थी हमारे पास एक्स सिंपल एक्स ठीक है और कैपिटल डी एक्स प्लस सेकेंड पार्ट मीन्स बी ए पार्ट के लिए देखें तो इसकी लिमिट भी जीरो टू तो एल वाई टू तो थी एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है एम की वैल्यू हमारे पास है बेसिकली आर सी इंटू आर सी इंटू एल वाई टू प्लस एक्स माइनस पी एक्स आर सी इंटू एल वाई टू प्लस एक्स माइनस पी एक्स और डेला अपन अपन ई आई भी लिखेंगे डेला अपन डेल आर सी की वैल्यू कितनी थी वो थी हमारे पास एल वाई टू प्लस एक्स ओके इंटू डी एक्स ओके इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं बहुत लंबा इंटीग्रेशन जाएगा हम अल्टीमेटली वैल्यू लिखते हैं अगर इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पर पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वैल्यू हो जाएगी आर सी इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री ई आई माइनस फाइव पी एल क्यूब डिवाइडेड बाई फोर्टी एट ई आई ठीक है अब हमारा जो स्ट्रक्चर है बेसिकली स्टेबल है स्टेबल है मीन्स कि डेल्टा सी की जो वैल्यू है वो जीरो है जीरो है इट मीन्स इस सारी वैल्यू भी जीरो होंगी ये सारी इन सारी वैल्यू को जीरो पोट करोगे यानी कि फाइव पी एल क्यू बाई फोर्टी एट ई आई को उधर टर्म करोगे तो आर सी की वैल्यू हमारे पास अल्टीमेटली कितनी आएगी आर सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगी फाइव पी बाई सिक्सटीन दिस इज अ रिएक्शन एट अ वर्टिकल रिएक्शन ऑन सी पॉइंट हमारे पास एक रिएक्शन आ गई इक्वेशन एक, एक यूज करके हम बाकी भी निकाल सकते हैं ठीक है ना भी निकाल सकते हैं भी निकाल सकते हैं तो हमारे पास ये आंसर हो गया ठीक है तो ये तो हो गया सैंपल हमारा एक uh, प्रॉपर्ट कैंटिलीवर का केस अब हम बात करते हैं कॉन्टिन बीम का केस ओके ठीक है तो हम एक कॉन्टिन्यूस बीम लेते हैं बेसिकली दिस इज सिंपल कॉन्टिन्यूस बीम जिसको हम एनालिसिस करेंगे ओके okay. तो सबसे पहले हम बीम के बारे में समझ लेते हैं क्या है बीम ये तो हमारे पास तीन सपोर्ट हैं एक हमारे पास हिंद सपोर्ट है दो हमारे पास टा सपोर्ट है तो मीन्स इसकी जो डिग्री ऑफ एंडी है वो एक आ जाएगी मीन्स हम यहाँ पर भी किसी एक अनोन की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा उससे हमें बाकी वैल्यू पता पड़ जाएगी तो यहाँ पर हम नोट करते हैं दिस इज़ ए हम यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लेने ले ले जा रहे हैं जिससे थोड़ी सी और समझ में चीज़ें आएंगी ठीक है दिस इज़ ए बी सी दिस लेंथ इज फाइव मीटर ओके दिस लेंथ इज एट मीटर दिस बेसिकली दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द अशोक कुमार जैन बुक बेसिकली एडवांस टेक्चर एनालिसिस सो वहाँ से आपको ये बुक क्वेश्चन मिल जाएगा तो उसी को हम समझते हैं इसी तरीके से यहाँ पर हम यू डी एल अप्लाई करते हैं यू डी एल ऑफ ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर ओके सिंपल ओके दिस इज ए कॉन्फिडेंस बीम सिंपल बात करते हैं वही हमारा पुराना फंडा क्या कि हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने वाले हैं हम यहाँ पर आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं मींस हम यहाँ पर आर बी पता चल गया इसको हम थोड़ा पार्टिस कर देते हैं आर बी की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो बाकी की तीन रिएक्शन तो निकल ही जाएंगी तो आर बी हम यहाँ पर निकालने वाले हैं आर बी हमारा प्राइम कंसर्न है तो आर बी की रिस्पेक्ट में एस एनर्जी की बात करेंगे ठीक है ओके okay. तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या जानते हैं कि स्ट्रे एनर्जी की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डी डीएक्स अपॉन टू ई आई सिंपल वही करेंगे और हम अगर आर बी की टर्म में बात करें मीन्स हम हम आ, डेल्टा बी की बात करें विच इज इक्वल टू द डेल यू अपॉन डेल आर बी ओके okay? तो उसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टू एम बाई टू आई तो सिंपल हो जाती है एम अपॉन ई आई मल्टीप्लाई बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन एट बी इंटू डी सिंपल ओके ये आगे हमारे पास अब वही हम काम करेंगे क्या कि हम एक टेबल क्रिएट करेंगे टेबल के बाद हम बेसिकली हर सेगमेंट को पुट करेंगे तो यहाँ पर कितने सेगमेंट हो जाएंगे यहाँ पर भी दो सेगमेंट हो जाएंगे ए टू बी एंड बी टू सी या सी टू बी ओके सो स्टार्ट करते हैं तो पहला हमारा क्या होगा पहला हमारा होगा सेगमेंट देर आर टू सेगमेंट फर्स्ट वन इज ए बी एंड सेकेंड वन इज सी बी ओकेदर सेगमेंट इज ऑरिजिन और जन हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं ए से और वहाँ से कर रहे हैं सी से ओके सी एंड लिमिट्स तो पहले वाले स्पान की हमने जो लेंथ देखी थी वो थी फाइव मीटर तो ये लिमिट हो जाएगी जीरो से फाइव मीटर और तो दूसरे वाले स्पान की जो लेंथ थी वो थी हमारे पास एट मीटर तो वहाँ पर लिमिट हो जाएगी जीरो टू एट मीटर सिंपली ओके अब हम सिंपल एम की बात करते हैं ड्यू टू द यू डी एल ओके सिंपल बात करते हैं तो इसको हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी तो अगर एम को निकालोगे आप रिस्पेक्ट टू एक्स में बेसिकली वो तो कैसे निकलेगा हम रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे तो एम की वैल्यू हम इस सेक्शन के लिए लिख देते हैं आप संपल निकाल भी सकते हो तो एम की वैल्यू मोमेंट की वैल्यू हम अगर निकालें तो वो आती है हमारे पास वन थर्टी एक्स माइनस ट्वेंटी एक्स स्क्वायर बाई टू दिस इज एक्स स्क्वायर ओके उसी तरीके से इस सेक्शन के लिए भी सेम ही आती है वन थर्टी एक्स माइनस ट्वेंटी एक्स स्क्वायर बाई टू अगला पार्ट डेल एम अपॉन डेल आर सी या डेल एम अपॉन डेल एक्स की बात भी कर सकते हैं ओके ठीक है डेल आर बी 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 निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस एट बाई थर्टीन आर बी इंटू एक्स इसको अगर हम बात करें तो दिस मूमेंट इज ड्यू टू यू डी एल ओवर द स्पान ठीक है एंड दिस मूवमेंट इज ड्यू टू दिस मूवमेंट इज ड्यू टू रिएक्शन ड्यू टू रिएक्शन आर बी ओके तो यहाँ पर हम निकालेंगे दिस इज़ माइनस फाइव बाई थर्टीन आर बी इंटू एक्स बस वैल्यू आ चुकी हैं वैल्यू पुट करते हैं सिंपल वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास हमारे पास क्या था हमारे पास ना क्या निकालना था हमें निकालना था डेल्टा बी डेल्टा बी क्या था डेल यू अपॉन डेल आर बी सिंपल इंटीग्रेट करते हैं हम पहला इंटीग्रेशन क्या था जीरो से लेके फाइव तक जीरो से लेके फाइव तक, तक जाएंगे तो हम पहले लिखेंगे एम की वैल्यू को एम वैल्यू कितनी थी हमारे पास वन थर्टी एक बार देख लेते हैं फोरेस्पान वन एम की वैल्यू हमारे पास कितने वन थर्टी एक्स माइनस ट्वेंटी ई एक्स स्क्वायर बाई टू तो इसकोट कर देते हैं और उसके अलॉन्ग विथ हम ये भी लिखते हैं कि मोमेंट ड्यू टू द बी ओके यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं हम पीछे यहाँ पर एक हम एक और बढ़ा सकते हैं यहाँ पर बेसिकली हमने अभी डेल एम अपॉन डेल आर बी नहीं लिखा जैसे आर बी वोमेन डू टू द आर बी अगर सही लिखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल एम अपॉन डेल आर बी तो इसका इंटीग्रेशन डिस्कशियसन कर देते हैं तो यहाँ पर पहले हमारे पास आ जाएगी कितनी यह आ जाएगी माइनस एट बाई थर्टीन एक्स यहाँ आ जाएगी माइनस फाइव बाई थर्टीन एक्स ये दो बार क्यों लिखा गया दो बार इसलिए लिखा गया क्योंकि हमने यहाँ पर जो मूवमेंट देखा वो यूडीएल के कारण अलग देखा और रिएक्शन के कारण अलग देखा बेसिकली दोनों का आड़ देखा लेकिन हम जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन में दोनों की कंबाइन फॉर्म पुट करेंगे कैसे ये माइनस सिंपल वन थर्टी माइनस टेन एक्स स्क्वायर मीन्स ट्वेंटी एक्स स्क्वायर बाई टू को टेन एक्सक्र कर दिया प्लस वो जो मूवमेंट हमारे पास आर बी का आड़ा वाला तो वो कितना था एट बाई थर्टीन आर बी इंटू एक्स ओके इंटू वन अपॉन ये वहां लिख देते हैं इंटू डेल एम अपन डेल एक्स ये हो जाएगा माइनस एट बाई थर्टीन इंटू एक्स डी एक्स ओके दिस इज दिसमेंटन फॉर द फर्स्ट स्पान दूसरे के लिए लिख देते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एट वन थर्टी वन थर्टी माइनस वन थर्टी माइनस टेन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थर्टीन आर बी इंटू एक्स इंटू फाइव माइनस फाइव बाई थर्टीन एक्स इंटू टी एक्स ओके इसको सॉल्व करोगे आप तो आर बी की टर्म में कुछ वैल्यू फाइंड आउट होगी आर बी और एक्स एक्स तो चला जाएगा बेसिकली जी लिमिट लगी हुई है तो आर बी की टर्म में एक वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू में एक बार लिख देता हूँ आपके सामने वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी डेल वी इज्कल टू माइनस वन अपॉन थर्टीन सॉल्व करने के बाद मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ हमारे पास होगा थ्री जीरो एट थ्री थ्री पॉइंट थ्री सिक्स माइनस टू जीरो फाइव पॉइंट वन टू आर बी प्लस फाइव नाइन सेवन थ्री सेवन थ्री थ्री पॉइंट वन फाइव माइनस थ्री ट्वेंटी एट थ्री ट्वेंटी एट बी ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है और डेल बी की वैल्यू हम जानते हैं कि बेसिकली स्टेबल बीम में तो जीरो हो जाएगी जीरो रखने के बाद जब सॉल्व करोगे आप तो अल्टीमेटली यहाँ से आर बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन सिक्सटी नाइन पॉइंट एट वन तो हमारे पास एक वैल्यू पता पड़ गई है तीन वैल्यू पता करनी है एक किलो में यूज करेंगे बाकी हम निकाल लेंगे तो ये बेसिकली आपका था स्ट्रेटी मेथड फॉर द कॉन्टिनस बीम एज वेल एज द सिंपली प्रॉपर्ड कैन डिलीवर बीम ओके ना सो so, हमने इस लेक्चर में एक बार रिकॉल कर लेते हैं स्टे एनर्जी मैथड के बारे में जाना स्ट्रेनर्जी मेथड सिंपल क्या है हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसी भी किसी भी स्ट्रक्चर की उस एनर्जी की बेसिस पे हमें किसी एक अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम एनर्जी uh, थ्योरम को जानते हैं कि अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना हो तो डिफ्लेक्शन हम उसको एनर्जी को फोर्स से डिफ्रेंशिएट कर देंगे और हम वहाँ पर डिफ्लेक्शन निकाल देंगे फॉरेस्ट फॉरेस्टेबल बीम डिफ्लेक्शन विल बी द जीरो जीरो रिफ्लेक्शन होगा तो तो अल्टीमेटली उस रिएक्शन को हम फाइंड आउट कर पाएंगे तो हमने बेसिकली देखा कि प्रॉप्टंटली बीम में कैसे निकालते हैं तो हम पर्टिकुलर एक रिएक्शन को लेके गए उसकी स्ट्रेनर्जी इक्वेशन लिखी और पूरी वैल्यू सेगमेंट ने सेगमेंट में डिवाइड किया और अल्टीमेटली इक्वेशन निकाल के हम फाइंड आउट कर दिए उसकी रिएक्शन को उसी तरीके से अगर हम कॉन्टीन्यूअस बीम की बात करें तो कॉन्टिन्यूस बीम में भी किसी एक अनोन हम ए आर ए या एच ए या आर सी की को लेके भी कर सकते थे कोई इशू नहीं है उसको लेके भी कर सकते हैं बट वहाँ पर सारी वैल्यू चेंज हो जाती है या आर सी आ जाता है वहाँ पर जो लिमिट्स है वो चेंज हो जाती हैं लिमिट्स के अलावा जो मूवमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है और यहाँ पर वैल्यू पुट अलग हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर सिंपल हमने सेगमेंट में पुट किया ए बी ए सी अलग अलग लिमिट्स लगाए मूवमेंट लगाए और हमने बेसिकली यहाँ पर दो काम करने पड़ेंगे यहाँ आप एक काम भी कर सकते हो आप क्या काम कर सकते हो कि इस यू और आरबी का कंबाइंड मूवमेंट ले सकते हो वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा उसके उसके अलावा एक आप अच्छा काम कर सकते हो कि यू डी एल जो मूवमेंट इक्वेशन बन रही है उसको अलग लिखो ठीक है सिंपल और जो आरबी का मीनस जो रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हो उसके कारण जो मोमेंट इक्वेशन बन रही है उसको अलग अलग लिखो अल्टीमेटली उसको एंड में हम उसको कंबाइन कर देते हैं मर्ज कर देते हैं और फाइंड आउट कर सब करते हैं रिएक्शन दिस इज अ रिएक्शन फॉर द कॉन्टिन्यूस बीम एक निकल आइए बाकी किलोमीटर क्वेश्चन की मदद से बाकी निकाल लेंगे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास हम अगली क्लास में बेसिकली स्टे एनर्जी मेथड के बारे में देखेंगे फॉर अ फ्रेम स्ट्रक्चर ओके दिस इज दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास थैंक यू फॉर वॉचिंग